अप्रैल के मौसम में जून याद आ गया, मतलब गर्मी ने अप्रैल में ही जून वाले पसीने छुटा दिए। पूरे देश में गर्मी से हाहाकार मचा है, आसमान आग बरसा रहा है, जमीन तप रही है, जिस्म झुलसे जा रहे हैं और उस पर मौसम विभाग की भविष्यवाणी। अभी फिलहाल गर्मी से कोई निजात मिलती नजर नहीं आ रही है, ऐसे में देश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लोग घरों में कैद हो गए हैं, सड़कों पर सन्नाटा पस रहा है, ऐसे में हर कोई इंद्रदेव से बारिश की दुआएं मांग रहा है। अभी से जून वाली गर्मी ने प्रचंड प्रहार करना शुरू कर दिया है और अप्रैल के महीने में गर्मी ने लोगों के पसीने छुटा दिए हैं। आसमान से शोले बरस रहे हैं, जमीन आग उगल रही है, नदियों का कंठ सूख गया है। अप्रैल के महीने में गर्मी ने ऐसा हमला बोला कि जून याद आ गया है। किस शहर का नाम बताएं, किस शहर का तापमान नापे, हर शहर के सिर पर सूरज चढ़कर बैठा है। मौसम विभाग ने देश के चार राज्यों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इनमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन राज्यों में शनिवार को तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात, महाराष्ट्र में भी तापमान 42 डिग्री के करीब रिकॉर्ड दर्ज किया गया। प्रचंड गर्मी का आलम है कि सुबह से सूरज सर पर शोले बरसाने लगता है। भयानक गर्मी के कारण लोग सुबह 11 बजे के बाद ही घरों में कैद हो जाते हैं। देश के करीब करीब सभी राज्यों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। शनिवार को ओडिशा का बारीपड़ा सबसे गर्म शहर रहा, यहां का तापमान 45.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पश्चिम बंगाल में 44 डिग्री टेम्परेचर, छत्तीसगढ़ में 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ओडिशा में 45, वाराणसी में 41, लखनऊ में 37, दिल्ली में 35, पटना में 42, रांची में 38 तो जयपुर में 36 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। राजधानी दिल्ली में गर्मी के सितम ने सुकून की तो सांस ही छीन ली है। दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी दिल वालों के पसीने छुड़ा रही है। भयानक गर्मी को देखते हुए स्कूली बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने नई पहल की है। शिक्षा निदेशालय ने गर्मी को देखते हुए स्कूल में कक्षाओं के दौरान छात्रों को लगातार अंतराल पर पानी पीने का ब्रेक देने को कहा है। साथ ही स्कूल में आने जाने के वक्त धूप से बचने के लिए विद्यार्थियों को अपने सर को छाता, टोपी और तौलिए से सर ढकने की सलाह दी गई है। बात करें राजधानी दिल्ली की तो जो हीट है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, मई और जून की अगर मैं बात करूं तो मई जून में राजधानी दिल्ली में जो तापमान होता है वो 40 डिग्री के ऊपर होता है। हालांकि अगर मौसम विभाग की बात करूं तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले जो चार दिन हैं अभी राजधानी दिल्ली के लिए इस टेम्परेचर के लिहाज से सही रहेंगे, यानी कि जो तापमान होगा वो 40 डिग्री के अंदर रहेगा। हालांकि अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वोत्तर राज्यों में आने वाले दिनों में बारिश की जो बूंदें हैं हल्की वो पड़ सकती हैं, लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें कुछ और राज्यों की जो राजधानी दिल्ली के साथ सटे हुए हैं, उन पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ जो बाकी के राज्य हों, बिहार हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, वहाँ पर भी मौसम जो है लू के साथ जो हवाएं हैं वो तेज चल सकती हैं। और इसी को देखते हुए मौसम विभाग का भी कहना है कि आप अगर अपने घरों के बाहर निकल रहे हैं तो चेहरे को ढक के निकले, क्योंकि लू जैसी जो समस्याएं हैं वो भी इस बदलते मौसम के साथ आपको परेशान कर सकती हैं। गर्मी से बचने के लिए दिल्ली वाले कोशिश कर रहे हैं, लोग ठंडा पानी, आइसक्रीम का सहारा गर्मी से निजात पाने के लिए ले रहे हैं। ये बताइए, आप भी गमछे का इस्तेमाल कर रहे हैं, मौसम जो है वो काफी परेशान करने वाला, किस तरीके की परेशानी हो रही है? गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिक्कत हो रही है हमें, पसीना वसीना आ रहा है, गमछा लेके हम डोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ठंडी में थोड़ा सही लगता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अक्सर दिल्ली में मई जून का जो महीना था वो बहुत परेशान करता था, लेकिन अभी तो अप्रैल है तो आगे क्या हालात होंगे, आप लग रहा है कुछ और ज़्यादा परेशानी होगी? आगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, जैसे कि अभी से गमछा लेके डोल रहे हैं, बहुत दूर से घूमने आए हैं हम, फरीदाबाद से घूमने के लिए आए हैं यहाँ पे, लेकिन परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एक्चुअली हम बिहार से आए थे इंडिया गेट घूमने के लिए, पर दिन भर रूम में रहते हुए फिर अभी मौसम जैसे थोड़ा सा ठंडा हुआ निकले, फिर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम घूमने आए हैं। बच्चे के साथ आए थे, बच्चे खुद परेशान, हम खुद परेशान गर्मी से, तो मौसम के हिसाब से घूमना ठीक नहीं इस समय में। मतलब लू टाइप का जो हवाएं चल रही हैं ये परेशान कर रही हैं? परेशान कर रही,
आधा घंटा आए हुए नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बुखार टाइप का आना शुरू हो गया है। दिल्ली के चांदनी चौक में चैरिटी बर्ड हॉस्पिटल में हीट वेव से प्रभावित पक्षियों का इलाज और देखभाल की जा रही है। परिंदों को गर्मी से बचाने के लिए उसका खास ख्याल रखा जा रहा है। अभी से गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडे पानी का लोग सहारा ले रहे हैं, घरों से बाहर छाता लेकर निकल रहे हैं। यूपी में गर्मी से तो हाहाकार मच गया है। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो कई जिलों में तो गर्मी ने तांडव मचा दिया है। मौसम विभाग ने 21 और 22 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में गर्म हवाओं का अलर्ट जारी किया। इस दौरान पूर्वी यूपी में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चल सकती हैं। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, सरस्वती, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, मऊ, बलिया और गाजीपुर में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। इस दौरान गर्म हवाएं चलेंगी और रात के तापमान में भी इजाफा होगा। बात अगर यूपी के तापमान की करें तो यहां गर्म हवाओं ने लोगों को घरों में कैद किया। सूरज की तपिश ऐसी कि लोगों का हलक सूख गया। गर्मी के कारण लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। खासकर गर्मी की सबसे प्रचंड मार तो रेहड़ी पटरी वालों को पड़ रही है। लखनऊ की अगर हम तापमान की अगर बात करें तो 39.9 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर माना गया है और साथ ही साथ गर्मी शुरू होने के साथ हीट वेव कभी अलर्ट जारी हो चुका है। ऐसे में इसको लेकर बाजारों में गर्मी से राहत पाने के लिए देखिए गन्ने के जूस की यहाँ पर दुकानें भी सज गई है और लोग गर्मी से निजात पाने के लिए यहाँ पर गर्मी के प्रकोप अब शुरू हो चुका है, हीटवेव का अलर्ट जारी है। ऐसे में लखनऊ की जो डिग्री जो नापी गई है 39.9 डिग्री, तो गर्मी से निजात पाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? अभी तो यही ऐसे जूस पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, अभी घर चला गया, एसी ऑन कर लिए। अब एसी बताइए, अभी अप्रैल चल रहा है, इसी में एसी यूज कर रहे हैं हम लोग। नहीं तो पहले कैसे पहले नहीं तो कैसे मई में हो गया, जून में हो गया, तब एसी चलती थी। क्या लगता है कि गर्मी का प्रकोप और आगे बढ़ने वाला है? जी बिल्कुल लगता है, गर्मी जैसा कि अभी आप देख रहे हैं पहले अप्रैल वगैरह में इतनी गर्मी नहीं होती थी, हालांकि अभी काफी गर्मी होने लगी है। और इसमें हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए, जैसे अपने आप को हाइड्रेट रखिए, ज्यादा ज्यादा पानी पीजिए और खीरा वगैरह खाइए, सलाद वगैरह लीजिए और यही है प्रिकॉशंस लेना है। झारखंड में कोल्हान की धरती इस वक्त गर्मी से तप रही है। जमशेदपुर शहर का तापमान 44 डिग्री को छू चुका है। झारखंड में गर्मी से हाहाकार मचा है। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में तो तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जमशेदपुर में गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है, लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। जमशेदपुर और डाल्टनगंज में 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। गर्मी के प्रहार से सिर्फ इंसान नहीं बल्कि बेजुबान जानवर भी बेहाल हैं। जमशेदपुर का तापमान लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में जानवरों की देखरेख के लिए टाटा जू ने विशेष प्रबंध किए हैं। खान पान में बदलाव किया गया है, कूलर का इस्तेमाल किया जा रहा है और तो और जानवरों को बार बार नहलाया भी जा रहा है। हम लोगों ने जो जितने इंक्लोजर्स हैं, जितने एनिमल्स के इंक्लोजर्स हैं, वहाँ पर कूलर, वो कूलर प्रॉपरली उनको चल रहे हैं, जहाँ नए लगाए थे वहाँ नए लगाए, जहाँ पुराने थे पानी से बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, एग्जॉस्ट फैन लगवाए हैं और जहाँ पर उनकी छतों की गर्मी को रोकने के लिए हमने उनको बैम्बू की शीट्स लगवाई हैं सारे इंक्लोजर्स में। इवन कुछ जगह तो हमने और एक्स्ट्रा पार्टीशन करके उनको एक्स्ट्रा शेड देने के लिए बैम्बू की जो चटाई होती है चटाई लगा के उसको कुक किया है। हमने फवारे लगाए हैं पानी एक्स्ट्रा पानी उनको, हम लोग 2-3 दिन बार उनको जो उनका इंक्लोजर है उनको गीला कर रहे हैं जिससे कि उनको कम से कम गर्मी महसूस। इस साल भी हम लोग जो एक समर मैनेजमेंट प्लान होता है एनिमल इंक्लोजर को मेंटेन करने के लिए, एनिमल्स को देखभाल के लिए, वो हम लोग इस साल भी बनाए हैं, अकॉर्डिंगली उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। जैसे आप बर्ड्स के लिए देख रहे हैं, जो चिड़िया के लिए हम लोग उसको छप्पड़ बनाए हैं, वो बैम्बू मैट एंड पुआल जो है उससे, ताकि डायरेक्ट सनलाइट उस पे उसके ऊपर नहीं जाए। साथ ही साथ उसका जो जिस जगह पर है उसका फर्श को जमीन को उसको हम लोग भिंगा के रख रहे हैं ताकि उसमें हीट ना आए, गर्मी ना आए। और पीने के लिए हम लोग बर्तन जो दे रहे हैं वो मिट्टी का बर्तन दे रहे हैं ताकि वो पानी पिए, उनको नहलाने के लिए ना खुद नहाने के लिए वो मिट्टी के बर्तन में दे रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में सूरज की किरणें ऐसी कि जिस्म को जला रही है, ठंडा पानी सूखते हलक का एकमात्र सहारा है। सूरज के शोलों ने साय को भी जला दिया है। कोलकाता में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं।
पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में तो 44.5 डिग्री सेल्सियस, बांकुरा में 44.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कोलकाता में 39 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। लोग ठंडे पानी से गर्मी से बचाव कर रहे हैं, सड़कों पर छाते के साथ निकल रहे हैं। लोगों का कहना है कि गर्मी से बड़े लोग तो अपना बचाव कर लेते हैं, लेकिन इस गर्मी से निजात छोटे बच्चे नहीं पा रहे हैं और वो परेशान हैं। पश्चिम बंगाल में भीषण गर्मी से इंसान क्या जानवर भी परेशान है। दुर्गापुर के बर्दवान वन प्रभाग के दुर्गापुर वन क्षेत्र में जंगली जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। तेज गर्मी से बेजुबान बीमार ना पड़ जाएं, इसके लिए वन विभाग ने खास इंतजाम किए हैं। जंगल में हिरणों को सुबह दोपहर में ORS का घोल पिलाया जा रहा है। दोपहर में कच्ची हरी सब्जियां तरबूज जैसे फल खिलाए जा रहे हैं। जंगल में पेड़ की शाखाओं और पत्तियों को ढककर एक ठंडी जगह तैयार हुई है। इसके अलावा भी देउल के जंगल में कई जगहों पर पानी में ORS घोल कर दिया जा रहा है, ताकि गर्मी में बेजुबा भी कुछ राहत महसूस कर सके। দেখুন ওই প্রতি বছরের মতো এবছরও এই যে গরমের এই যে তীব্র দাবদাহটা চলছে, তা এই সময়তে আমাদের প্রতিবারই হরিণকে ওয়ারেস নুন চিনি জল করে বা ওয়ারেস এই সমস্ত দেওয়া হয়। তা এবারেও সেই একই রকমভাবে দেওয়া হচ্ছে, দিনে দুবার করে ওদেরকে ওয়ারেসের জলগুলো খাওয়ানো হচ্ছে, এবং বিভিন্ন জায়গায় আরও ওই যে ওয়াটার বডিসগুলো ছিল সেই ওয়াটার বডিসগুলোতেও জল ভর্তি করা হয়েছে, যাতে হরিণের জল খেতে কোনো অসুবিধা না হয়। এইভাবে হরিণকে সুস্থ রাখার জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। শুধু মানে কোনো একটু হরিণ তো নেই দেউলে, হরিণ ময়ূর বিভিন্ন পশু পাখি সবারই জলের একটা এই সময়তে একটা আকাল বা টান রয়েছে, তো সেইগুলোকেও যাতে সুস্থ রাখা যায় তার জন্যই এই ব্যবস্থা। देश के कई हिस्सों में गर्म हवाएं चल रही हैं। कई शहरों में 32 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवा चल रही है। लू ने शहर दर शहर को अपनी आगोश में लिया है। लू के थपेड़ों ने लोगों के चेहरों को लाल किया है। गर्म हवाओं के कारण से उमस भरी गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। मौसम विभाग ने देश के 12 राज्यों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है, जिसमें बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, तमिलनाडु शामिल है। बिहार में प्रचंड गर्मी ने जीना मुहाल किया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से बेहाल है। लू के थपेड़ों ने लोगों को परेशान कर दिया है। धूप से बचने के लिए लोग छांव का सहारा ले रहे हैं। बिहार के कई जिलों में तो तापमान 40 डिग्री के भी पार है। लगातार गर्म हवाओं का असर बना है, लोग गर्मी से परेशान हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में गर्म हवाओं का प्रभाव बढ़ने वाला है। 21 अप्रैल तक 14 जिलों में हीट वेव की चेतावनी, जिनमें सीवान, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, बांका, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज भी शामिल है। गर्म हवाओं ने मुजफ्फरपुर को भी झुलसा दिया है। भीषण गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। जिले का तापमान बढ़कर 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ। तेज धूप के कारण लोग घरों में कैद हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत भी नहीं मिलने वाली है। पूरा बिहार लू की चपेट में है और मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में राहत नहीं मिलने जा रही है। मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के कई शहरों में जो IMD है उसने अलर्ट जारी किया है और लगातार जो है मौसम बेहद गर्म हो रहा है। लू की चपेट में मुजफ्फरपुर जिला भी आ चुका है। आप सड़कों पर दिखा देंगे, सड़कों पर वीरानी फैली हुई है। लोगों की संख्या और उसकी गतिविधि बेहद कम है, मूवमेंट घट गया है। और प्रशासनिक स्तर की बात करें तो यहाँ पर प्रशासन के स्तर से भी अलर्ट जारी किया गया है कि लोग अपने घरों में ही रहें, बेवजह घर से बाहर न निकले। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। गर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी हुई है। इतने गर्मी है कि हम लोग अभी अपने काम के लिए घर से इमरजेंसी कामों के लिए ही निकलते हैं, अमूमन उसमें भी निकलने में बहुत कठिनाई हो रही है। धूप इतनी प्रचंड है और पॉल्यूशन ग्राफ भी उसके साथ साथ काफ़ी बढ़ा हुआ है। धूल के चपेट से और गर्मी फील हो रही है। एक तो गर्मी का पारा, ऊपर से धूल का पारा, दोनों का सामना करना पड़ रहा है शहर में। अरे बड़ी खराब स्थिति है, क्या बोले भैया, धूप तो लग रहा है, आग बरस रहा है। इतना टेम्परेचर आई है, अभी देख लिए 50 डिग्री तक पहुंच गया टेम्परेचर। अब ऐसे कंडीशन में आदमी कैसे जिएगा, काम मजबूरी में निकलना पड़ रहा है। आज ऑफिस संडे था, जिसे कारण मजबूरी में निकले हैं अभी तक धूप में, और बहुत परेशान है। भगवान सुनते हैं,
कम से कम मौसम पे कुछ इजाफा हो और उतना प्रदूषण भी यहाँ बहुत है। थार के रेगिस्तान में चिलचिलाती धूप और गर्मी से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बाड़मेर समेत पश्चिम राजस्थान में फिलहाल 24 घंटे में गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है, जिससे आने वाले दिनों में और अधिक गर्मी पड़ सकती है। थार के दोनों पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर में इन दिनों गर्मी ने बेहाल कर रखे हैं। लोग अपने घरों से निकलने से पहले सोचते हैं कि इस गर्मी में कैसे बाहर निकलें। अभी हम बाड़मेर जिला मुख्यालय पर हैं और जिला मुख्यालय पर आप देखिए कि अभी जो तापमान है वो तापमान करीब 45 डिग्री पर है और लोग इस गर्मी से बचने के लिए देखिए कैसे यहाँ पर आकर के बैठे हैं। और दूसरी तरफ एक जूस की जो दुकान है यहाँ पर आकर के अपने आप को थोड़ा सा ठंडा महसूस करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? नान सिंह नाम है। नान सिंह, क्या हालात है इस बाड़मेर में गर्मी के और कितनी तापमान चल रहा है? हालात तो अभी बहुत खराब है, 48 डिग्री के आसपास यहाँ गर्मी पड़ रही है। बाकी अभी कामकाज के सिलसिले में निकलना पड़ता है बाहर और अभी यहाँ बैठे हैं ठंडी छांव में। और गांवों के क्या हाल है इस समय में? गांवों में कैसे लोग? गांवों में भी बहुत हाल खराब है, अभी चुनावी माहौल भी है और चुनावी माहौल के साथ साथ गर्मी भी बहुत ज्यादा है। बहुत गर्मी ज्यादा है। आप बताएं भैया क्या नाम है आपका? विशाल सिंह नाम है सर। विशाल, क्या हालात हैं शहर में? बहुत बेकार है सर। बहुत ही ज्यादा इतनी गर्मी है। कहाँ जा रहे थे अभी आप और बीच में रुकना पड़ा? नहीं सर, कुछ काम से जा रहे थे, बहुत ज्यादा गर्मी के कारण बस जूस की दुकान देखी, बस थोड़ी बहुत ठंडी। राजस्थान की रेत सूरज की तपिश से जल रही है। सूबे के कई जिलों का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक रहा। हालांकि राजस्थान में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से कई इलाकों में तापमान में गिरावट भी देखी जा रही है। मौसम केंद्र जयपुर ने 22 अप्रैल तक इस सिस्टम का प्रभाव बने रहने की संभावना जताई है। राजस्थान में गर्मी का टॉर्चर नजर आ रहा है। आलम यह है कि सूरज निकलने के साथ ही राजस्थान में तापमान की बढ़ोतरी देखने को मिलती है, लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो अप्रैल के महीने में राजस्थान के अंदर पिछले 4 वर्षों में सबसे कम तापमान रहा है, जिसके पीछे अहम वजह बताई जा रही है पश्चिमी विक्षोभ। वो पश्चिमी विक्षोभ जो एक के बाद एक राजस्थान के अंदर सक्रिय हो रहे हैं। लगातार चल रही आंधियों की वजह से तापमान में गिरावट हो रही है, वहीं कई जगहों पर बारिश भी हो रही है। ऐसे में अगर बात की जाए राजस्थान के तापमान की तो राजस्थान के अंदर तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच के अंदर चल रहा है। ऐसे के अंदर आने वाले 4 दिनों के अंदर तापमान में कोई खासी बढ़ोतरी नहीं होगी। इन सब के बीच मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि तापमान में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होगी, वो भी 4-5 दिन के बाद। लेकिन इन सब के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट होगी। खासतौर से पूर्वी राजस्थान में तापमान लगातार बढ़ रहा है। देख सकते हैं कि राजधानी जयपुर की सड़कें हैं गर्मी का जो वजह से सड़कें सूनी हैं, लेकिन हीट वेव की चेतावनी नहीं है और ना ही किसी तरह की लू चल रही है। इसी वजह से लेकर लोगों में थोड़ी राहत है, लेकिन अब देखा जाए तो अप्रैल जैसे ही खत्म होगा और मई का महीना शुरू होगा उसके बाद तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी और 45 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान पहुंचेगा और उसके बाद पूरे राजस्थान के अंदर हीट वेव चलेगी, जिससे आमजन को काफी नुकसान देखने को मिलेगा। अप्रैल में यह चौथा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके प्रभाव में मौसम बदल रहा है। बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से राजस्थान में तापमान कंट्रोल में है। कल सबसे ज्यादा गर्मी कोटा में रही, जहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पश्चिमी राजस्थान में पाली में अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। गुजरात में भी गर्मी ने हाहाकार मचाया है। मौसम विभाग ने गुजरात में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। तापमान में और भी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। गुजरात में गर्मी से निजात पाने के लिए वडोदरा ट्रैफिक पुलिस ने एक नायाब तरीका निकाला। दरअसल वडोदरा ट्रैफिक पुलिस ने अपने पुलिसकर्मियों को एयर कंडीशनर हेलमेट दिए हैं। चिलचिलाती गर्मी में एसपी वाले हेलमेट ट्रैफिक पुलिस के जवानों को ठंडी हवा का एहसास दिला रहे हैं, जिससे सड़क पर ट्रैफिक कंट्रोल करने में उन्हें काफी मदद मिलेगी। वडोदरा ट्रैफिक पुलिस की काफी सराहना इस पर हो रही है। वडोदरा पुलिस की तर्ज पर लखनऊ में भी ट्रैफिक जवानों को ऐसे ही हेलमेट मुहैया कराए जाएंगे, जो ट्रैफिक जवानों को धूप से बचाएंगे। एक हेलमेट की कीमत 12 से 16 हजार रुपए बताई जा रही है। ओडिशा के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी है। इसे देखते हुए सरकार ने खास बंदोबस्त किए हैं। जगह जगह पर पीने के पानी की सुविधा है। अस्पताल में गर्मी से पीड़ितों के इलाज के लिए खास व्यवस्था की गई है। भीषण गर्मी की वजह से लोग बीमार भी पड़े। राजधानी भुवनेश्वर के अस्पताल पिछले कुछ दिनों से रोजाना डिहाइड्रेशन के कम से कम 20 से 25 मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो पिछले कुछ दिनों में राज्य के 27 शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज हुआ। बारीपदा और बौद्ध में 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। मुंबई में भी गर्मी कहर बरपा रही है। मुंबई में फिलहाल गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दिन का तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, लेकिन उमस का स्तर 80% तक पहुंच जाएगा। लोग अलग अलग तरकीबों का इस्तेमाल कर गर्मी से राहत पाने की कोशिश में जुटे हैं। कुछ लोग जूस पीकर बाहर निकल रहे हैं तो कुछ लोग ठंडा शरबत और कुछ मौसमी फल खाकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई बोरीवली स्टेशन के बाहर लोग तरबूज खाकर और ठंडा जूस पीकर गर्मी से निजात पा रहे हैं। मुंबई की तेज धूप और गर्मी से जीवन हाल बेहाल है, इसलिए लोग मुंबई में अलग अलग उपाय करते हैं। सबसे पहले मुंबई के बोरीवली की बाहर की तस्वीरें दिखाएंगे कि इस तरह से लोग जो है अपनी गर्मी को कम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मुंबई में मानसून विभाग के अनुसार करीब इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 35 से 38 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा जो है उमस का जो प्रतिशत है वो 80% है और आने वाले 25 अप्रैल तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है, इसी तरह की गर्मी रहने वाली है। अब ऐसे में गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह का तरल पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, कलिंगर खाते हैं, जूस पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। और एक तस्वीर दिखाएंगे कलिंगर की दुकान पर, देखिए कि बड़ी संख्या में लोग जो है गर्मी से राहत पाने के लिए इस तरह का जो है फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो सीजनी फ्रूट्स होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। लगातार बढ़ रही गर्मी से निजात मिलती नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग ने देश के 18 राज्यों में रेड जोन अलर्ट जारी किया है, मतलब इन 18 राज्यों में अधिकतम तापमान 38 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। इनमें 18 राज्यों में रेड जोन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड शामिल हैं। पिछले 50 वर्षों में 2023 सबसे गर्म वर्ष रहा और इस बार भी जो है मौसम में लगातार तापमान की वृद्धि से गर्मी का बढ़ना हम देख रहे हैं। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, सारे विश्व में ही ये परिदृश्य हमको दिखाई दे रहा है, ये फिनोमिना जो है दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे की जो मुख्य वजह है ये धरती के लगातार गर्म होते जाने के कारण जो है ये हो रहा है। चिलचिलाती गर्मी के बीच धूप के तपिश से बचने की खबरें भी सामने आई। मौसम विभाग ने 17 राज्यों में बारिश का अनुमान लगाया है। इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक शामिल हैं। लेकिन फिलहाल हर जुबान पर एक ही सवाल, आखिर इस गर्मी से निजात मिलेगी कब? हर शख्स आसमान की तरफ हाथ उठाकर इंद्रदेव से दुआएं कर रहा है कि हे इंद्रदेव रहम करो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।